हेलो दर्शकों, स्वागत है आपका फिर से एक नई अपडेट में। दर्शकों, आज मैं पहुंच चुका हूं मांडखेड़ी खंड चचरोली और हल्का जगाधरी के अंदर। दर्शकों, यहां पर माँ शाकुंभरी देवी माता का यहां पर बहुत ही भव्य जो है यहां पर एक आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दराज क्षेत्र से पहलवान और आसपास के क्षेत्रवासी यहाँ पर पहुँचते हैं। तो आज यहाँ पर जो है इस पावन अवसर पर जो है विशेष तौर पर यहाँ पर एक अनुष्ठान किया गया और यहाँ पर मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में क्या कुछ यहाँ पर प्रोग्राम किया गया, किस प्रकार की मैनेजमेंट की गई, हालांकि ये छोटे लेवल पर मेला है, पर देखते हैं यहाँ के लोगों के क्या विचार हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। मैं दर्शकों से निवेदन करता हूँ, खबर को जाए शेयर करें और चैनल पर दिन है चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दर्शकों, गाँव मांडखेड़ी वासियों से बातचीत करते हैं। कौन से गाँव के हो? पूरी के। तो आज यहाँ पर क्या प्रोग्राम चल रहा है? माता का मेला है। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बढ़िया जी। कैसा लग रहा है? बढ़िया जी। हाँ जी, कैसे एंजॉय करते हो? ऐसे क्या भी तो स्टार्टिंग ही है। पकौड़े बनवाए? कितने किलो बनवाए? दम बताओ कितने खाने? बताओ ना, हमने तो आपसे पूछ रहे ना। एक किलो बस, बहुत चक देंगे, पूरा चक देंगे। चटनी पाएंगे ना? चटनी नहीं, बिना चटनी के कहाँ है? बिना चटनी सूखे। चलो जी, आ जाओ भाई, छूटे पड़े ने। तो चलो भाई, तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पकौड़ा मार्केट यहाँ पर स्पेशल तौर पर जो है यहाँ पर बनाई गई है और यहाँ पर जलेबी का भी जो है प्रोग्राम यहाँ पर किया गया है और साथ में चटपटी और करारी मसालेदार बेलपुरी का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ताज़ा यहाँ पर जो है जलेबी यहाँ पर बनाई जा रही है गर्मा गर्म। जी हाँ दर्शकों, आजी भाई साहब, राम राम। राम राम जी। कौन से गाँव से आए हो जी? रामखेड़ी से जी। रामखेड़ी सिंह से? जी हाँ जी। कैसा लगता है जी यहाँ पर? बढ़िया लगता है, ठीक हो जाती है? ठीक हो जाती। चलो ठीक है साहब। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि लगातार हम गाँव में यहाँ पर लोगों से बातचीत लगातार कर। बाबू जी, राम राम। कहाँ से हो बाबू जी? यहीं से हैं जी। यहीं से हो? मिलने पहुँच के कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो क्या जो लोग आपको बाहर से देख रहे हो, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बुलाएंगे उनको भी? बिल्कुल जी, माता रानी की यहाँ कृपा है। ठीक है जी, ठीक है जी, आओ यहाँ माता के दर्शन करो, सुखना पूरी होती है माता की। धन्यवाद सर। तो लगातार हम दर्शकों से हम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से जनता से हम जुड़े हैं। तो हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माता बहनी भी यहाँ पर मौजूद है। माता जी, राम राम। भाई किसी और तो पूछ ले। अच्छा, आज बहन जी बता देंगे। बहन जी, नमस्ते। नमस्ते वीर जी। बहन जी कहाँ से आए हो? मांडखेड़ी से। अच्छा, मेले में आके कैसा लगता है जी आपको? अच्छा लगा जी। हाँ जी। तो पूजा की आपने यहाँ पे? हाँ जी। माता टेक लिया? हाँ जी। हर साल टेकते हो? हाँ जी। धन्यवाद जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दर्शकों यहाँ पर बढ़िया जी। तो लगातार यहाँ से बातचीत करें तो यहाँ से दूर दराज क्षेत्र से भी लोग पहुंचे और कुछ नजदीकी लोग भी यहाँ पर पहुंचे। भाई साहब, राम राम। राम राम बड़े भाई। कहाँ से आए हो जी? यही गांव से, मांडखेड़ी से। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आम जनता उसको, आप आसपास का आपका क्षेत्र देख रहा है आपको? बहुत बढ़िया है माहौल, अच्छा मेला लग रहा है गाँव का जी। इससे लगता है जी? इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? किस उपलक्ष्य में लगाया जाता है ये? माता रानी के उसमें लगाया जाता है, नवरात्रों के बाद। नवरात्रों के बाद जी दंगल भी कराया जा रहा है? दंगल भी बहुत अच्छा है, मैं देख के आज अभी बहुत अच्छा था। तो लोगों को इनवाइट करेंगे यहाँ पर जो बाहर के देख रहे हैं लोग? जरूर 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 इनवाइट करेंगे। मैसेज यही है कि गांव के बच्चे बहुत अच्छे हैं, मतलब कोई दंगा नहीं कुछ नहीं, आसपास के माहौल बहुत बढ़िया है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन भी बुलाया फिर भी शांतिपूर्वक मेला चला? शांतिपूर्वक मेला है, पुलिस प्रशासन की जरूरत नहीं है, गांव के बच्चे इतने बढ़िया हैं। पिछले साल वैसे हर साल ऐसे ही होता है? हर साल ऐसे होता है। दर्शकों देख सकते हैं कि यहाँ पर बिना प्रशासन के, यहाँ पर बिना पुलिस प्रशासन के यहाँ पर मेला जो है हर साल जो है अच्छे तरीके से लगाया जाता है। तो हम लगातार जो है जनता से बातचीत करने की कोशिश करें। भाई साहब, राम राम। क्या हाल चाल है जी? राम राम जी। कहाँ से हो जी? मैं बिसाती वाले से। बेलपुरी की सेल हो? हाँ जी ठीक चल रहा है जी, काम गाड़ी पड़ जाएगी नहीं मिल? हाँ जी पड़ जाएगी जी। कहाँ से हो आप? बिसाती वाले से जी। ठीक है भैया, ठीक है। तो दर्शकों हम लगातार जो बातचीत कर रहे हैं, आ जाओ बेटे। सरपंच साहब नमस्कार। लाड़ अपना को ना पता अपन और ना से। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हर प्रकार के बच्चे और शरारती तत्व, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर दर्शकों से देख रहे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ भाई, हाँ जी आ जाओ जी। राम राम जी, आ जाओ आगे ना, आ जाओ। कहाँ से आए बाबू जी? रामपुर खद्दर से। भाई साहब सेल हो जाए मेले में? ठीक है, दिहाड़ी भी नत्थली कट जा भी थाली भी लेते। कितने साल से रहे मेले में? वही अंदर 10-12 साल से रहे। अच्छा लगता है यहाँ पे? बढ़िया, बहुत जोर लगा। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं यहाँ पर? भाई हम तो नहीं गए यहाँ पे, हर साल पहुँचे 14 के दिन यहाँ पर मेला लगता है बस। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि तमाम तरह से जन समूह यहाँ पर पहुंचा है, बच्चे यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। तो हम इनसे बातचीत लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। माता जी नमस्ते, कैसे हो बहन जी? ठीक है भैया। मेले में हर साल आते हो? हाँ जी हर साल। पूजा कर ली आपने? हाँ जी पूजा कर ली। पूरे घर के ने माथा टेक लिया? हाँ जी पूरा टेक लिया। कैसा लगता है यहाँ पर आपको? यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है। आप हर साल आते हो यहाँ पे? हाँ जी हर साल आते हैं। धन्यवाद जी। इंटरव्यू देना जी। हाँ जी, जय माता दी, जय माता की जी। और ठीक है, पूछ तो ले जी कुछ है।
क्या पूछना? इंटरव्यू है देना था। बोल तो पूछ तो लो कुछ। कहाँ से हो? मानखेड़ी से। कौन सी क्लास के बच्चे हो? टेंथ के। पास हो गए या फिर टेंथ में? पास हो गए जी। जा पक्का हो जाएंगे। कौन से स्कूल का नाम क्या आपके? कल से जी। हर साल यहाँ पे आप माथा टेकते हो? हाँ जी। तो कैसा लगता है यहाँ पे आपको? मजा आवा जी। के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दंगल भी हो रहे हैं यहाँ पे, कुश्ती भी हो रही है, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है कुश्ती। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे नौजवानों को जो कुश्ती देखने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं? हाँ जी, फोन ना चलाया करो जी। नमस्ते, क्या नाम है आपका? रिहान। कहाँ से हो आप? बिलासपुर से। भंडारा खाया था? हाँ जी। दोपहर का भंडारा खाया था? हाँ जी। क्या क्या था भंडारे में? छोले थे, हलवा था, पूरियां थी। गुलगुले भी थे? नहीं। गुलगुले भी थे? खाया कभी गुलगुले? ना। गुलगुले देखे भी नहीं है? देखे हैं। कैसे होते हैं गुलगुले? मीठे। नहीं, आकार में कैसे होते हैं? गोल गोल होते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? तवे पे बनाए जाते हैं? गैस पे। गैस पे तवे पे नहीं बनाए जाते हैं? गुलगुले कैसे बनते हैं? पहला वो आटा गुन्नो। अच्छा। आटा गुन का फिर वो मिठा गेरो, मिठा गेरा फिर गुल के ले गेरो। आटा गुन का मिठा गेरो सीधा ऊपर। हाँ। अच्छा। नमस्ते अंकल। क्या नाम है बेटे आपका? प्रिया। बेटे बंडा रखा है तो पहला? ना। बंडा रे वही नहीं आप? ना। आप भी नहीं बंडा रे? ना अंकल, हम भी नहीं आए। अच्छा, आपके माथा टेक लिया आपने? हाँ जी। हर साल आते हो? हाँ जी। कैसा लगता है बेटे? अच्छा लगा जी। कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। कितना अच्छा लगता है बेटे? बहुत अच्छा लगा अंकल। एक बार हाय कर दो सबको। हाय। चलो ठीक। माता जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। माता टेक लिया जी आपने? टेक लिया भाई। दोपहरा भंडारा कर लिया आपने? कर लिया। भंडारे में क्या कुछ बनाया था जी? भंडारे में छोले थे, कद्दू था, पूरियां थी। कैसा लगता है जी आपको यहाँ पे आके? आज बहुत अच्छा लगा भाई। धन्यवाद जी माता जी। तो दर्शकों, हम लगातार जो है यहाँ से बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी बेटा नमस्ते। बेटा नमस्ते। नमस्ते बेटे। नमस्ते। इधर देखो बेटे, नमस्ते उधर करो, देखो वहाँ पे। बेटा नमस्ते। नमस्ते। दोपहर भंडारा खाया था? ना, खाया नहीं भंडारा। बिना भंडारा खाई फिर रहे यार। तो लगातार दर्शकों, हम यहाँ से बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से हो भाई साहब? मैम यहीं से, मांडखेड़ी से। भंडारा खाया दोपहर? ना जी, ड्यूटी पे था आज। तो भंडारे में आज शामिल नहीं हो पाए आप? आज नहीं हो पाए, बस अभी आया। तो जो लोग आपको देख रहे हैं, मांडखेड़ी से बाहर देख रहे हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे उनको ये मेले के बारे में? आज मेले के बारे बहुत अच्छा मेला है जी, दूर दूर से कुश्ती भी लगती है, पहलवान वगैरह वहाँ जी। हाँ जी। गांव का बहुत पुराना मेला है जी, तो ठीक है, बहुत अच्छा है। भीड़ भड़ाका आप देख ही रहे।